यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना, बेतवा और चंबल नदियां उफान पर बह रही हैं, जिसमें कई क्षेत्र में पानी घुस गया है। बस्तियां डूबने से लोगों का पलायन तक करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दौरा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचौहान के साथ राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने किया दौरा, तो वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है। बोट से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के भ्रमण पर निकले मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी प्रदान की। तरह से निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए, राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा, सबकी मदद सरकार करेगी, उनके साथ सरकार खड़ी है। सर आपके अभी कुछ राशन सामग्री लेके जाई जा रही है, क्या है, क्या क्या पहुँचाया जा रहा है? अभी हम लोग गांव तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और जहां जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति की जाएगी। बाढ़ से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं रहेगा, सरकार उनके साथ है। सारी हमारी मशीनरी, जिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार, सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हैं और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित न रहे और जो भी फसल आदि का नुकसान हुआ है उसको जिलाधिकारी सर्वे कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews।